एक कॉम्बिनेशन है, इलेक्टिव इंग्लिश पॉलिटिकल एंड फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश ग्रेजुएशन है, इलेक्टिव इंग्लिश पॉलिटिकल और फिजिकल। ओके हुण तुहाडा जिहड़ा कोई भी कॉम्बीनेशन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, तुहानू ये माइनर मिल जाएगा माइनर, और कॉलेज विच जाके तुसी माइनर सब्जेक्ट ही ले लेना। जो माइनर ले लोगे उस तो बाद तुहानू तुसी इंग्लिश दी टी जी टी लई आ रहा टी जी टी इहदे लई एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि 3 साल तुहानू नहीं पढ़ना पैना, पढ़ लिया है, इलेक्टिव भी पढ़िया होया, सारे टिक लग रहे हैं, कोई अडिशनल बी एड का नहीं देना पेगा, ग्रैजुएशन का नहीं देना पेगा, गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो। और जिहड़ा है जे तुसी एम ए इंग्लिश करते हो तो पी जी टी लई भी एलिजिबल इंग्लिश विच हो जाओगे, तुहाडा बेस्ट स्कोप जिहड़ा है इलेक्टिव इंग्लिश नाल बन रहा है क्योंकि इंग्लिश दीआं पोस्ट गवर्नमेंट जॉब इत्थे वड्डा करके लिखते हैं। मैं गाइड किद्दां कर रहा हाँ तुहानू गवर्नमेंट जॉब ले जिहदे विच ज़्यादा स्कोप है वो इंग्लिश विच बन रहा है। दूसरा पोलिटिकल तो फिजिकल साइंस है लेकिन ये माइनर है, इन्हां चों तुहानू मेजर सबजैक्ट लेना पैना है। हुण जे तां पोलिटिकल साइंस जे तुसीं अपना जॉब स्कोप वधाना है तो पोलिटिकल साइंस के नाल पंजाबी पी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी सी चंडीगढ़, इन्हां दे विच एक सोशल साइंस दे नाल तुहानू एस एस टी सबजैक्ट दे दिता जाएगा। एस एस टी दे दिता पैडागोजिकल सबजैक्ट, तो तुसीं गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल नहीं होए। जेकर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जाते हो तो तुसीं अडिशनल नाल नाल 2 साल हैं तुहाडे को बी ए दा अडिशनल दे दिओ। फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकल साइंस है तुसीं हिस्ट्री दे सकते हो, हिस्ट्री ही मैं सुजैसट करांगा क्योंकि सेंटर दियाँ जॉब्स जिहड़ियां ने वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट मंगदियां हैं। मैं सुजैसट कर रहा बार बार कि हिस्ट्री ही तुहानू अडिशनल सब्जेक्ट देना चाहिए है। जे बी ए दे नाल नाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चो कर लेंदे हाँ तो बी एड करन तो एकदम बाद तुसीं पोलिटिकल बेस ते जो बी एड विच एस एस टी लई सी वो हिस्ट्री दी अडिशनल दे के तुसीं बी एड चो बाहर जो निकलते हो तो तुसीं एस एस टी लई एलीजिबल बन जाते हो। सो जे तुहाडी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है तो तुहाडा स्कोप नहीं है पोलिटिकल की जगह, तुहानू पोलिटिकल ही लेना पएगा। जे तुसीं पोलिटिकल लैंदे हो गुरु नानक जां किसी भी यूनिवर्सिटी तां तुसीं पोलिटिकल साइंस पी जी टी लई एलीजिबल होवोगे। इत्थे तुसीं टी जी टी लई ये जिहड़ी मैं गल दसी है टी जी टी लई एलीजिबिलिटी दी बनदी है। अच्छा जे तुसीं फिजिकल एजुकेशन लैंदे हो तां तुसीं तुहानू कुछ भी अडिशनल एक क्राइटेरिया बहुत अच्छे फुलफिल हो रहे हैं, सिंपल तुसीं गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल बन रहे हो। सॉरी फिजिकल एजुकेशन हाँ इत्थे लिखना सी फिजिकल एजुकेशन लई तुसीं गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल बनते हो, पर इहदियां पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कट निकलदियां ने जे मेजर सब्जेक्ट ही लगदा। तो दूसरे के हर कॉलेज विच ये अवेलेबल नहीं है, पोलिटिकल साइंस ते एस एस टी हर कॉलेज विच अवेलेबल है। सो हुण तुसीं किहड़ा एक ये सब्जेक्ट तुहाडा फाइनल है नहीं छड्डना चाहिए तुहानू, इन्हां चों तुसीं किहड़ा ऑप्ट करना है वो तुहाडा डिपेंड करेगा कि तुहाडी नॉलेज किहदे विच ज़्यादा है क्योंकि पी एस टैट का जां सी टैट का पेपर देना है, इंट्रस्ट तुहाडा किहदे विच ज़्यादा, ग्रैजुएशन च मार्क्स ज़्यादा किहदे विच है। नैचुरली मेरे ख्याल प्रैफर करना चाहिए नॉलेज क्योंकि पी एस टैट पास करने लिए 60 क्वेश्चन जिहड़े है पोलिटिकल साइंस एस एस टी जां उहदे विचों आने ने फिजिकल एजुकेशन चो, तो तुहानू इह चों चूज़ करना चाहिए है। जे मेरे को सीधी सुजैशन पुछना है तो मैं कहांगा कि तुहानू एस एस टी जे तुहाडा इंट्रस्ट इक्वल है पोलिटिकल ते एस एस टी तो तुहानू एस एस टी लै लेना चाहिए है, एस एस टी लैके अडिशनल देना चाहिए है और अडिशनल दे नाल जिहड़ा है बाद विच दूजियां दा पैडागोजी दा बी एड दा अडिशनल दे के फिजिकल एजुकेशन लई एलीजिबल हो जाना चाहिए है। सो तुसीं बन जाओगे एलीजिबल एस एस टी ते इंग्लिश लई, उस तो बाद बनोगे फिजिकल इहदे लई फिजिकल एजुकेशन लई। हाँ जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तुहानू फिजिकल मेजर फिल करके नाल एस एस टी दिंदी है, मेजर वैसे वो नहीं है, मेजर यही बनेगा तुहाडा, फिर गल अलग है, बाकी दी गाइडेंस जिहड़ी पहले दित्ती है उस तरह रहेगी। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।